जब भी आप लद्दाख के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर पेंट होती है? पर मैं आपको बता दूं कि हानली एक ऐसी जगह है जहां की पेंटिंग मन में बसाने लायक है, मेमोरीज बनाने लायक है। यहां के रोड्स की जितनी शांति आपको और कहीं नहीं मिलेगी। To the another vlog of Ladakh. In this episode, I am taking you to the mystical lands of Hanle in the heart of Ladakh. यहाँ के ऊंचे पहाड़ और दूर-दूर तक खाली रोड लद्दाख की सांस्कृतिक और सुंदरता का रहस्य दिखाते हैं। As we embark on this adventure, get ready to be captivated by the breathtaking scenery and feel the peace of Ladakh surround you. Hanle, known as the land of celestial wonders, offers an extraordinary experience beyond the usual. तो चलो आज चलते हैं हानले के high altitude terrains, ancient monasteries को explore करने और देखते हैं हिमालयस और रात का आसमान जब मिलते हैं तब एक अनोखा कॉस्मिक स्पेक्टेकल सामने आता है। बट ये जर्नी बस डेस्टिनेशन की नहीं है, ये जर्नी है उन कहानियों की जो इन ऊंचे पहाड़ों में छिपी हुई है, लद्दाख की मेहमान नवाजी की और एक ऐसी खूबसूरत जगह की जिसे बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। तो तैयार हो जाइए इस जर्नी के लिए जहां आपको हर कदम पे लगेगा कि आप किसी तीर्थ स्थान पे हैं, हर मोमेंट एक सेलिब्रेशन जैसा लगेगा। ये है हानले, अ सिम्फनी ऑफ साइलेंस, अ कैनवस ऑफ स्टार्स। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स एम्बार्क ऑन अ जर्नी टुगेदर टू अनकवर द मैजिक ऑफ हानले। सोमवर्री से हानले के रास्ते में हाफ वे में न्योमा नाम का एक छोटा सा टाउन आता है जहाँ पे लंच ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि इससे आगे आपको हानले से पहले कोई और टाउन नहीं मिलेगा। न्योमा से ऑलमोस्ट 1 आवर ड्राइव के बाद लोमा नाम की जगह आती है जहाँ से एक रास्ता पेंगोंग लेक की साइड और दूसरा हानले की साइड निकल जाता है। हमें ये लोमा ब्रिज के पास का रीजन काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ हमने कुछ बहुत अच्छे ड्रोन शॉट्स भी दिए जिनको आप भी इंजॉय कीजिए। और आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हानले लद्दाख के साउथ मोस्ट रीजन में सिचुएटेड है। हानले टूरिस्ट को दो रीजंस की वजह से अट्रैक्ट करता है। पहला, यहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है
दूसरा रिसेंटली बनाया वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो कि है ओमलिंगला पास। हाले का डिस्टेंस सोमरी से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर है जिसमें ऑलमोस्ट 5 आवर्स का टाइम लगता है। आप ले से भी डायरेक्टली हानले आ सकते हैं। ले से हानले का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर है जिसको कवर करने में 7 से 8 घंटे का टाइम लग सकता है। आई एम श्योर आप सबने लद्दाख को फोटोज और वीडियोज में तो बहुत देखा होगा और ये भी देखा होगा कि लद्दाख प्लेन्स में स्ट्रेट रोड्स जिसमें दूर दूर डेजर्ट माउंटेन्स दिखाई देते हैं। बट बिलीव मी उनमें से मैक्सिमम फोटोज और वीडियोज साउथ लद्दाख रीजन की है, स्पेशली हानले के आसपास की होती हैं। हानले की ड्राइव मुझे अपनी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल रोड ट्रिप लगी जिसमें किलोमीटर्स तक स्ट्रेट रोड और दोनों साइड तीन तीन चार चार किलोमीटर दूर माउंटेन्स हैं और बीच बीच में जो वेजिटेशन दिखाई देती हैं वो इस जगह की ब्यूटी को और चार चांद लगा देती हैं। हेयर यू कैन ईजिली स्पॉट वाइल्ड लाइफ ऑफ लद्दाख grazing the little grassland in between which mainly includes sheep and sometimes cows. तो जब तक हम हानले पहुंचते हैं उससे पहले मैं आपको हानले और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। सितंबर 2022 में हानले को इंडिया की फर्स्ट डार्क स्काई प्रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। हानले का एलिवेशन ऑलमोस्ट 4,500 मीटर है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है और यहाँ साल में 300 से ज़्यादा क्लियर डेज मिलते हैं जो यहाँ ऑब्जर्वेटरी डेवलप करने का मेन रीज़न बना। यहाँ सिटी लाइट पॉल्यूशन ना के बराबर है जो नाइट स्काई को कैप्चर करने के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देता है और डार्क स्काई प्रिजर्व डिक्लेयर होने के बाद यहाँ लाइट पॉल्यूशन को मिनिमाइज रखने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स भी लिए गए हैं एंड यहाँ पे 10 बजे के बाद रात को पावर सप्लाई कट ऑफ कर दी जाती है। हानले जाते टाइम बीच में एक साइक्लिस्ट भी मिले जो राजस्थान से यहाँ तक साइकिल चला के आए थे। लद्दाख में थोड़ा सा चलने में भी आपको ब्रेथलेसनेस फील होता है और ये साइक्लिस्ट यहाँ पे साइकिल चला के आए हैं। सीरियसली इट्स करेजियस एंड अनबिलीवेबल। हानले में आपको इजीली होमस्टेज मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ टूरिस्ट काफ़ी कम आते हैं और कुछ होमस्टेज तो अपने पास टेलीस्कोप्स भी रखते हैं जिससे आप नाइट स्काई को और क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ हमारे द्वारा कैप्चर किए गए और कुछ लोकल से मिल्की वे गैलेक्सी के अमेजिंग व्यू को देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हानले में एक माउंटेन पे सिचुएटेड है और इसको बैंगलोर से ऑपरेट किया जाता है। इसके टेलीस्कोप का नाम हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है जो नोबल लॉरेट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे रखा गया है जिनको 1983 में फिजिक्स नोबल प्राइज से नवाजा गया था। दिस टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 मीटर प्राइमरी मिरर और ये अजीमत में 0 to 360 एंड 0 to 90 degree रोटेट कर सकता है जिससे ये पूरे स्काई को कवर कर सकता है। ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है और इसका टेलीस्कोप ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रेज तीनों फ्रीक्वेंसी रेंज में फोटोज ले सकता है। आई एम श्योर आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा कि ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के पार्ट हैं। ऑप्टिकल या विजिबल लाइट ईएम वेव्स का वो पार्ट है जिसमें हमारी आईज दुनिया के अलग अलग कलर्स को देख पाते हैं। इंफ्रारेड और गामा रेज या ईएम वेव स्पेक्ट्रम का कोई और रीजन एक्सेप्ट विजिबल लाइट हमारी आईज नहीं देख पाती। I know you told your friend you're not okay.
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. बट ह्यूमन इंटेलिजेंस की यही तो खास बात है, जो हमारी आईज नहीं देख पाती उसको देखने के लिए हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जो हमारे लिए ये काम कर देते हैं। अब आप में कई लोग सोचेंगे कि अगर हमारे टेलीस्कोप बाकी ईएम स्पेक्ट्रम में भी फोटोज लेते हैं तो ये टेलीस्कोप से ली हुई फोटोज कलरफुल कैसे होती है जो हम देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उन फोटोज में वेवलेंथ डिफरेंस के हिसाब से उनमें एडिटिंग के थ्रू बाद में कलर्स डाल दिए जाते हैं। इंफ्रारेड और गामा रेज को रिकॉर्ड करके ये टेलीस्कोप और बेटर और दूर के स्टार्स, कंस्टेलेशंस, नेबुला, गैलेक्सीज और बाकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की फोटोज ले पाते हैं। जब साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स की बात हो रही है तो आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ। क्या आपको पता है वर्ल्ड के सबसे बड़े टेलीस्कोप का साइज कितना है? इट्स इक्वल टू द साइज ऑफ अर्थ। अगर आपको पता है कि कैसे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप यहाँ से नाइट स्काई को देखते हैं तब आप सिर्फ मिल्की वे और स्काई की ब्यूटी से सिर्फ इम्प्रेस ही नहीं होते बल्कि आपको इस यूनिवर्स के सामने खुद के इतने छोटे होने का एहसास भी होता है। तब हम कुछ देर के लिए अपनी छोटी मोटी टेंशंस को भूल के इस ख्याल में खो जाते हैं जो ह्यूमैनिटी का कभी से सबसे बड़ा क्वेस्ट रहा है कि हम यहाँ क्यों हैं और कहाँ से आए हैं। With this, we end our beautiful journey of Hanle, और हम मिलते हैं next vlog में, जिसमें हम cover करेंगे Hanle से Pangong Lake. Thank you everyone for watching this video. Until then, bye bye, take care.